हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप करनी है कि टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड आइस रीडिंग। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड इसलिए किया कि बहुत सारे बच्चों का कहना कि आइस एग्जाम है ना वो इंटेलिजेंट बेस्ड आ। मैं ये गल बहुत ही क्लीयरली दसदी हाँ कि जिहड़ा आइस का एग्जाम आ मेनली रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड आ। ये कोई मैटर नहीं करता कि बच्चा किन्ना इंटेलीजेंट आ कि किन्नी परसेंटेज लैंदा, इहदा नहीं मतलब हैगा। गा उहनूं ये मतलब मैटर करती हैगी चीज़ कि किन्ने टिप्स एंड ट्रिक्स उहनूं आउंदियां ते किद्दां वो अपलाई करदा, वे एक्यूरेट आउंदा अपलाई करन दा। अज मैं थोड़े सामने डैमो दूंगी एक टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड आइस रीडिंग जी, थोड़े सामने सॉल्व करके दसूंगी किदा जड़िया मतलब कि अप्लाई होंगे टिप्स। जेकर तुम ट्रांसलेशन पूरी वैल नहीं आती हैगी तो भी तुम मतलब कि काफ़ी हद तक मैं कहनी 85-90% तक तुम आइस रीडिंग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ट्रांसलेशन। हूँ आप अज करके देखते हैं। फर्स्ट अपने को देख लें नैटवर्किंग पैसेज नेम है अपने को नैटवर्किंग। ठीक है, पहली टिप तो यही है कि तुम पैसेज का नेम चंगी तरह पढ़ लो, क्योंकि जो पैसेज का नेम पढ़ोगे ना ये एक अपन बेनीफिट यह होंगे कि अपना इंट्रस्ट बन जाता रीडिंग से। देखो जो अपन पैसेज आप है ना सीधा ही मतलब कि क्वेश्चन से जाने है ना, चलो आप मतलब कि सॉल्व तो कर लेंगे बट अपना इंट्रस्ट घट बनूंगे क्योंकि अपन पता ही नहीं पैसेज से गल कादी हो रही है। ठीक है, क्योंकि फिर जिम्मे क्वेश्चन सॉल्व करा उमें बाद चो पता लगेगा अपन है ना भी कादी गल हो रही थी पैसे से। सो आप पहला ना पढ़ लेंगे तो अपन काफ़ी हद तक पता लगेगी पैसे से गल कादी हुई है। जिदा हूँ नैटवर्किंग तो अपन पता लग गया कि पैसे विच नैटवर्किंग की गल हो रही है। चलो आप फर्स्ट क्वेश्चन की गल कर लीए। हूँ मेन गल ये है कि आप इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़नी हैगी, जिदा कि यस नो नॉट गिवन। ठीक है, नॉट गिवन सेम होंगे, यस तो आप मतलब कि यस ही लवेंगे ट्रू नहीं, जे नो है तो अपने को नो ही लवेंगे फॉल्स नहीं। ठीक है, जी अपन ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स लाना, यस नो का यूज़ नहीं करना। ठीक है, नैक्सट हूँ आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नैटवर्किंग इज नॉट अ मॉडर्न आइडिया, मतलब अपने सेंटेंस तो कुछ नहीं पता लगा है ना, अपन ट्रांसलेशन नहीं आते अपन नहीं पता लगा, बट अपन इन्ना पता लगा ना नैटवर्किंग की गल हो रही है एंड मॉडर्न आइडिया की गल हो रही है। ठीक है, आप जस्ट कीवर्ड पिकअप करने हैं, आपां नूं इन्हां दे नाल मिलते जुलते है ना जां फिर सेम यही अपन कीवर्ड मिल जाए। ठीक है, अपन नैटवर्किंग अपना पहला कीवर्ड है, दैन अपना मॉडर्न। ठीक है, एक होर गल जे अपना फर्स्ट कर रहे हैं तो अपना पैसेज की स्टार्टिंग से देखेंगे, अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है तो पैसेज की स्टार्टिंग से देखेंगे। रीडिंग में क्वेश्चन ऑर्डरली होंगी है, जो फर्स्ट आपू है ना मतलब कि फर्स्ट दो तीन लाइन से मिल गया तो नैक्सट उस तो नीचे होगा है ना। इस तरह हूँ आप देखते हैं नैटवर्किंग मॉडर्न कितने अपने को पैसेज की स्टार्टिंग से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को थोड़ी सी रीडिंग डिफिकल्ट है, वकैब बहुत ज़्यादा है। देखो नैटवर्किंग अपन मिल गया, मॉडर्न तो अपन मिल गया मॉडर्निटी। ठीक है, अपन पता लग गया आप लोकेशन एक्यूरेट लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। हूँ आप गल करते हैं नैटवर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट हैज अ इकर्ड बट इज़ इन ऑल ट्रथ एंड अनजस्टिफाई एयर ऑफ मॉडर्निटी। ट्रांसलेशन नहीं आई, कुछ समझ ही नहीं आया सेंटेंस की कह गया है ना, बट उत्ते अपन उन्होंने कहा नैटवर्किंग आप इन्नी गल समझी कि नैटवर्किंग से मॉडर्न आइडिया तो नॉट सी है ना, बच्चों उन्होंने मतलब कि ऐं किया कि जरा नैटवर्किंग मॉडर्न आइडिया नहीं गा है ना, मतलब अपन नॉट का भी पता लगे नैटवर्किंग मॉडर्न आइडिया का भी पता लग गया है ना। देखो इतने उन्होंने अपन इन्नी गल भावें ऑल तो नहीं समझ आई है ना, आप इतने गल करते अनजस्टिफाई एयर ऑफ मॉडर्निटी। हूँ जो कंसैप्ट उन्होंने अपने यही देता कंसैप्ट है ना भी जो उन्होंने अपने उत्ते भी मॉडर्न आइडिया, पर वो कहते जी अनजस्टिफाई एयर ऑफ मॉडर्निटी की, मॉडर्निटी की अनजस्टिफाई मतलब एयर हैगी। फिर मतलब गल जी है जब सेम हुई ना क्वेश्चन में भी अपन उन्होंने यही कहा कि नहीं गा मॉडर्न आइडिया नहीं गा, तो वो भी कह रहे हैं कि अनजस्टिफाई एयर ऑफ मॉडर्निटी सेम आंसर है। सो अपना मतलब कि मैच कर गया जोड़े क्वेश्चन से इनफॉर्मेशन मैच कर गई, सो अपना आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, यस। नैक्सट देख लें आप, नैटवर्किंग इज बॉर्न लाइक अ बैज एक्सकलूसिवली इन द बिजनेस वर्ल्ड, मेनली इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, एक्सकलूसिवली का मतलब मेनली विशेष तौर पर। वो कहते नैटवर्किंग जी है ना लाइक अ बैज, कुछ नहीं समझ आया है ना अपन क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया बट अपने इन्ना पता लगे ना, वो कहते मेनली बिजनेस वर्ल्ड के है ना भी बिजनेस वर्ल्ड की गल हो रही है तो बॉर्न लाइक बैज की गल हो रही है। इतने अपन ने कहा कि जी मतलब कि नैटवर्किंग बॉर्न लाइक अ बैज
इन द बिजनेस वर्ल्ड, मेनली इन द बिजनेस वर्ल्ड के है ना, वो एक लाइक बैज आ, ठीक है। हुण आपां देखते हैं भी है कि नहीं, आपां नूं नहीं मतलब कि आपां नूं किन्नी गल समझ आई किन्नी नहीं, आपां सिर्फ कीवर्ड पिकअप करने, सॉरी आपां कीवर्ड लै लईए, कीवर्ड अपने को नैटवर्किंग एंड वॉन लाइक अ बैज, ठीक है। इन आपां कुछ भी आपां नूं मिल जाए एंड मेनली बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। देखो मैं क्या सी, क्वेश्चन ऑर्डरली होंगे है ना, मतलब आंसर अपन ऑर्डरली मिल जाते हैं, जिदा कि अपन इतों तक मिल गया। हूँ आप तो चलो अपना स्टार्टिंग ही पढ़ रहे थे है ना, तो अपन उपर जाने की नहीं लड़ होंगी, जो अपने क्वेश्चन उदो नीचे ही होंगे सैकेंड वाला। हूँ आप देख लिए अपन कितने मिलता है गा, लो बिल्कुल अपन सेम मिल गया लाइक अ बैच, ठीक है, बिजनेस वर्ड भी मिल गया। सो आप एक्यूरेट लोकेशन पर पहुँच गया। देखो जो आप आ चले जी अपना जे आप कीवर्ड ना पिकअप किए होंगे तो अपन आ भी लैन पढ़नी पैनी, आ भी पढ़नी पैनी, बट नहीं हूँ आप सीधा कीवर्ड पिकअप किए दैन आप फाइंड किए पैसेज विचों, तो ये अपना टाइम सेविंग होया। देखो जो आप इन्ना बचाया ये अपना टाइम सेव हो गया, जो आप इन्ना नहीं पढ़िया, ठीक है। हूँ आप देखते हैं द कंसैप्ट इज़ वॉन लाइक अ बैज, कंसैप्ट दिता है ना अपन वॉन लाइक अ बैज, ठीक है, मतलब कि लाइक अ बैज, ठीक है। उन्होंने पहनिया लाइक अ बैज ऑफ डिस्टिंक्शन। हम देखो एक वर्ड से अपना आंसर आ रहा एंड नॉट जस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड, उत्थे तो कह रही है ना कि भी जो लाइक बैज है ना वो बिजनेस वर्ल्ड के एक बैज आ, ठीक है। आपको नहीं पता बैज का की है ना कि गल कर रहे, वो कहते है ना, बट इतने डिस्टिंक्शन कहता वो कहते अंतर आ है ना, मे नॉट कले बिजनेस वर्ल्ड में नहीं होर भी थान मतलब अंतर रहता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई इतने अपन जो कंसैप्ट अपने क्वेश्चन में दिता अपन उही कंसैप्ट इतने भी दिता है, पर उन्होंने कहता कि डिस्टिंक्शन आ उत्थे, उन्होंने कहा कि यह है गा, बट वो कहते नहीं ये अंतर आ, ठीक है। सो अपना आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इनफॉर्मेशन मैच नहीं की, सो अपना आंसर आ गया नो। पहले दो क्वेश्चन कर ले आप, थोड़ा समझ आए ज नहीं आए, ज 50% आए है ना, नैक्सट जो फिफ्थ तक पहुँचा थोड़ा जी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दसना चाहनी हूँ, थोड़ा अपने आप पता लग जूगा भी किदा तो किस हिसाब न अप्लाई करनी हैगी, ठीक है। देख लीए आप नैक्सट क्वेश्चन अपने को लगी है, पीपल फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। हुण आपां नूं पीपल पता लग गया, फॉल पता लग गया, ठीक है। बेसिक टू बेसिक कैटेगरीज की गल हो रही है, ठीक है। वो कहिंदे जिहड़े मतलब कि पीपल दो मतलब कि बेसिक कैटेगरी विच वंडे जांदे आ जां किद्दां वी आ है ना, पैसे च चलदे आं आपां, जिन्नी गल समझ आ गई ठीक है, बाकी पैसे च देख लैने आं। पीपल आ गए अपने कोल है ना, तो फाल अपने को बेसिक कैटागरीज, ठीक है। अपने को तीन कीवर्ड है, आप दे कि मैच करता अपने मेनली, हम इतों तक तो अपन जाने की लड़ नहीं हैगी, तो पढ़ना नहीं है, आप इतों तक तो हो गया, हम ये देख रहे हैं। देखो पीपल मिल गया, बेसिक का मिल गया बेसिकली, ठीक है, बेसिक का मिल गया बेसिकली, जिदा मॉडर्न का मिल गया सी मॉडर्निटी, ठीक है। थोड़ा मोटा मैच करता भी अपन कीवर्ड मिल जाता होंगे, थोड़ी जी रीडिंग टफ आ बट समझ जरूर आऊगी। आप देखते हैं पीपल कैन बी डिवाइडेड बेसिकली इनटू दूज हू कीप नॉलेज, पहली कैटेगरी की गल हो रही है। हम देखो पीपल वो कहते डिवाइड होए आ बेसिकली इनटू उन्होंने जेडे कि नॉलेज कीप नॉलेज एंड देयर परसनल कॉन्टैक्ट टू दैमसैल्फ, वो जेडे मतलब कि नॉलेज है ना परसनल कॉन्टैक्ट तक ही रखते हैं, एंड दूज हू आर प्रपेयर टू शेयर वट दे नो एंड अंडीड देयर फ्रेंड्स विद अदरस। इतने उन्होंने सैकेंड की भी गल की, एंड पा कौमा पा के एंड पाया मतलब गल ही नाल ही जुड़ती पई है, ठीक है। अपन इतों पता लग गया कौमा तो एंड, थोड़ा जहा पंक्चुएशन का भी आप ध्यान रखना होंगे रीडिंग। हूँ अपन इतों तक अपनी लोकेशन आ, आप एक बार होर पढ़ लीए, पीपल कैन बी डिवाइड बेसिकली इन टू दूज हू कीप नॉलेज एंड देयर परसनल कॉन्टैक्ट टू दैमसैल्फ। एक तो वो जो परसनल जी अपनी इनफॉर्मेशन नॉलेज आसनल कॉन्टैक्ट तक रखते हैं, एंड एक वो आ जे कि जिन्होंने जो पता होंगे वो कि शेयर कर देंगे, ठीक है। जोड़ा भी कुछ उन्होंने पता वो दूजे है ना फ्रेंड्स न किसी होर शेयर कर देंगे। किनिया कैटागरीज की गल हुई, जस्ट दो कैटागरीज की गल हुई ना, आपको उतनी की पूछ कि दो कैटागरीज वंडे जाते हैं, हाँ डिवाइडेड दो कैटागरीज, ठीक है। अपनी इनफॉर्मेशन मैच कर गई क्वेश्चन न, सो अपना आंसर आ गया येस। हुण बहुत सारे बच्चों के मन च आता होगा है ना कि आप इतने येस आ गया, आप तुक्का लाने इतने येस आ गया है ना, सैकेंड का नो, थर्ड का फिर येस आ गया, तो फोर्थ का अपन नॉट गिवन ला दें है ना।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਫਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਯੈਸ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੋ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ। ਬਟ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਕ ਅ ਬੈਟਰ ਨੈਟਵਰਕਰ ਦੈਨ ਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਕਸ ਅ ਬੈਟਰ ਨੈਟਵਰਕਰ ਦੈਨ ਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਮੇਨਲੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇਜ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਲੱਭਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਕਸ ਅ ਬੈਟਰ ਨੈਟਵਰਕਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਟਰ ਨੈਟਵਰਕਰ ਆ ਦੈਨ ਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਨੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਨੌਲੇਜ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਕਸ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੀਵਰਡ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੌਲੇਜ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨਸਕਿਓਰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਮਵਨ ਹੂ ਫਾਈਂਡਸ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਅਨਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਟੁਗੈਦਰ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਟੁਗੈਦਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਨੈਟਵਰਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਨ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਸਰ, ਆਂਸਰ ਯੈਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੇਮ ਕਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਫਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ। ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਰ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਈਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਜ਼ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਨਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਲਾਸਿਕ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨਫ ਵਿਦਨ ਦੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ
कनैक्ट करना है ना दूसरे ना कनैक्ट में रहा है। ठीक है, इतने आप क्वेश्चन में की गल की से अपनी कि वो फिजिकली स्ट्रोंग हों, फिजिकली स्ट्रोंग हो गया एंड गुड हैल्थ हो गई। उत्थे अपन गल की थी कि गुड हैल्थ था, हैल्थ की तो गल नहीं हुई अपने को, फिजिकल स्ट्रोंग की गल हुई है बट फिजिकल स्ट्रोंग नहीं उन्होंने क्या कनैक्ट कनैक्ट करने में स्ट्रोंग आ। ठीक है, आंसर अपना आ गया नॉट गिवन। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों का कहना होंगे कि नॉट गिवन की लोकेशन ही नहीं मिलती, नॉट गिवन की लोकेशन मिलती है। देखो हूँ अपन फिफ्थ की लोकेशन मिल गई तो की पहला आंसर यस ला देंगे या नो ला देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हूँ देखो जे आप चलो आप इतने पहुँच गए ना क्लासिक नैटवर्क तो अपन लोकेशन मिल गई। अपन नॉट गिवन बहुत बच्चों ने जो हूँ इदा आप सीखते हैं कि भी है ना कीवर्ड जो अपन नहीं मिलती लोकेशन तो दैन अपना फिर आंसर आता नॉट गिवन। हूँ बच्चे की करेंगे तो नो ही लागे मोस्टली, क्योंकि वो कहें कि फिजिकली स्ट्रोंग है ना भी जो गुड हैल्थ की गल नहीं आई उन्होंने कहना भी नो है ना कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। देखो ना कि इतने क्लासिक नैटवर्क फिजिकली स्ट्रोंग गुड हैल्थ की गल की है, पैसे में क्लासिक नैटवर्कर की गल की है बट उन्होंने नहीं दसिया आप फिजिकली स्ट्रोंग हों एंड गुड हैल्थ होंगी, हैल्थ की गल नहीं हुई फिजिकली स्ट्रोंगनैस की गल नहीं होगी, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि कनैक्ट विच स्ट्रोंग आ। ठीक है, हूँ सो अपना नॉट गिवन आंसर आ गया। नॉट गिवन दो टाइप्स आता, एक तो उ जो अपना लोकेशन ही नहीं मिली कित भी है ना, एक जिथे अद्धी गल कहती अपन अद्धी नहीं मिली। ठीक है, जिदा कि लाइक दिस ये तो हूँ एक ही नॉट गिवन सेगा, तो मेरे चैनल पर होर भी वीडियोज़ है जिथे दोनों जोड़े है नॉट गिवनस में चंगी तरह एक्सप्लेन किया गया वा किदा किदा आता वा, तो तुसी देख सकते हैं टिप्स। तुसी एक दो वीडियो जरूर देखो होर भी रीडिंग रिगार्डिंग ये नाल दियां, तो तुसी डेफिनेटली ये टिप्स है सीख जाओगे। जो तुसी सीख गए ना तो बहुत ही ज़्यादा तुसी टाइम भी मैनेज होने लग जाओ, क्योंकि आप सिर्फ कीवर्ड पिकअप करते हैं ये अपना बेनीफिट यह है कि अपन टाइम सेव होंगे। हूँ आप एक बार ओवरऑल कर लीए, ओवरऑल सीगा अपना फर्स्टली आप देखिए नैटवर्क भी मॉडर्नाइज लिया, मॉडर्निटी मिल गई आपको, लोकेशन मिल गई, दैन आप पढ़िया आंसर यस सीगा, सेम गल उ कही कहने मॉडर्न आइडिया नहीं, उत्थे भी उन्होंने कहा कि अनजस्टिफाई है। ठीक है, नैक्सट अपने को सैकेंड सगा वॉन लाइक अ बैज। ठीक है, वह कहने बिजनेस वर्ड उन्होंने अपने कहता नहीं डिस्टिंक्शन है। ठीक है, अंतर आ पीपल फॉल इन टू आप दो बेसिक कैटेगरीज ही पढ़िया वा जिन्हें पीपल डिवाइडेड आ, फिर यस आंसर आ गया। फोर्थ का सगा अ परसन हू शेयर नॉलेज एंड फ्रेंड्स मेक्स अ बैटर नैटवर्क, यू उ चंकी तरह पढ़ लिया, थोड़ी जी गल कमा के दसी सी बट अपन समझ लिया। फिफ्थ देखिए, द अपन लोकेशन मिल गई सी द क्लासिक नैटवर्क बट आंसर सीगा नॉट गिवन बिकॉज गुड हैल्थ एंड फिजिकली स्ट्रोंगनैस की गल नहीं हुई सी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब करो, जे वीडियो चंगी लगी हैल्पफुल लगी तो लाइक करो, एंड जिहड़े थोड़े फ्रेंड्स आ आइस करदे आ उन्हां दे लई भी यूजफुल, तुहानू लगदा कि वीडियो यूजफुल हो सकदी तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।